हेलो एवरीवन, बिल्कुल हेलो एवरीवन। अच्छा मौसमी जी, हेलो सॉरी हेलो टू मैम, इंटरप्ट। हेलो हेलो। एक चीज आप नहीं, लोगों को ओके दिखाना चाहते थे, एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहते थे, दैट इज व्हाई आई एम हियर। और हमारे कुछ ग्रुप यस ने मेंबर ज्वाइन किए हैं, इसके वजह से भी हमको आना पड़ा। सो एक चीज दिखाना है, ठीक है? जी फर्स्ट ऑब्जर्व कीजिएगा, जी ठीक है? जी पहले ऑब्जर्व कीजिए अपने जी ऊपर, ओके देखते हैं कौन कौन ऑब्जर्व कर पाता है। कौन कौन मुझे देख पा रहे हैं अभी? मैं देख पा रही हूँ सर आपको। पूजा ओके ओके, देखिए ये देख पा रहे हैं, राइट? मुझे अच्छे से गौर कीजिए, मुझे अच्छे से फॉलो कीजिएगा, ठीक है? ये है हमारा नॉर्मल लाइफ जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है? और जस्ट जस्ट 2 सेकंड दीजिए। हैं 2 सेकंड तो ज्यादा हो गया, लेकिन हो गया। जी, सरप्राइज। और ये है हमारा करियर लाइफ। वाह यस, कुछ समझ में आया? ब्राइटनेस बढ़ गई। यस सर, तो आज जो आप लोगों को सिखाया जा रहा है, ये है ग्रेटिट्यूड, राइट? सो इस तरह से आपके लाइफ में भी जितने भी हेजीनेस हैं, जितने भी फॉग आ चुके हैं, जितने भी नेगेटिविटी आ चुकी है ना, उन सारी चीजों को अगर आपको क्लीन करना है, ठीक करना है, रिजोल्व करना है, तो सबसे पहले अपने आप को ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशन में आपको लेके जाना पड़ेगा। अनलेस अनटिल जब तक आप शिकायत करते रहोगे, जब तक आप कंप्लेन करते रहोगे ना, तब तक आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को सही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वही चीजें हमें रिटर्न हो रही है, बार बार ये बात बताई जाती है। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े मेंटर्स ने, बड़े बड़े गाइड जो बड़े बड़े मॉन्क बुझ रहे हैं, वो भी ये बात बताते हैं कि आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी इफेक्टिवली काम करेगा जब आप खुद को ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशन में रखना शुरू कर दोगे, राइट? और अभी जब हम यहाँ आए हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि ग्रेटिट्यूड, अभी जब हमने स्पीच किया ना, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड, उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि आप लोगों को पता है, जब हम लोग स्पीच करते हैं तब तो हमारे कुछ सेकेंड के लिए हमारा हार्ट बीट रुक जाता है। कितने लोगों को पता है, जब हम लोग स्पीच किए हैं तब कुछ देर के लिए हार्ट बीट रुक जाता है। और हार्ट बीट रुक जाने का मतलब क्या होता है? इंसान का डेथ, राइट? ये धक 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 कर रहा है, वजह से तो हम लोग जिंदा है ना, राइट? ये धड़कन अगर रुक गया तो जिंदगी का कहानी खत्म। जब आप स्नीज कर रहे हो, कुछ देर के लिए आपका हार्ट बीट रुक जाता है, और जब फिर आप नॉर्मल होते हो, फिर से आपका हार्ट बीट चलना चालू होता है। तो उसके लिए थैंक यू कि हर स्नीज के बाद आपको एक नया जन्म मिलता है। सुबह जब आप उठते हो, क्यों थैंक यू कहते हैं? बिकॉज सोना, जो हम लोग स्लीप, जो लोग सोने जा रहे हैं ना, नींद को मौत की छोटी बहन कहा जाता है। नींद को, जो रात को हम लोग नींद लेते हैं ना, उसे मौत का छोटी बहन कहा जाता है। क्योंकि नींद और मौत में बहुत कम ही डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। आप जो सुबह उठ गए ना, ये सबसे बड़ा चमत्कार है आपके लाइफ का। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ग्रेटिट्यूड, राइट? और उससे भी बड़ी बात जो अभी आप कहने जा रहे हैं, आज हम लोग जो यहाँ पे है ना, इसके वजह से है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफ चैलेंजेस, राइट? लाइफ में अगर चैलेंज नहीं रहता तो आज हम लोग शायद यहाँ नहीं रहते, राइट? किसी के लाइफ में रिलेशनशिप का चैलेंज है, किसी के लाइफ में बजट का चैलेंज है, किसी के लाइफ में कुछ मनी का इशू चल रहा है, किसी का जॉब चैलेंज है, किसी का और कुछ हेल्थ से रिलेटेड है, किसी का पैसा कहीं अटका हुआ अभी तक नहीं मिल रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस की वजह से ना आप लोग यहाँ आए हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग का स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग का अवेकिंग हो रहा है, राइट? तो अपने चैलेंजेस के लिए भी ग्रेटिट्यूड कहेंगे, राइट? अब आप बोलोगे चैलेंजेस के लिए ग्रेटिट्यूड कहेंगे, सर चैलेंजेस तो बढ़ जाएगा क्योंकि जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कहते हैं वो तो बढ़ जाता है। नो, जब आप चैलेंजेस के लिए ग्रेटिट्यूड कह रहे हैं ना, मतलब आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन को आप एक्नोलेज कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उस सिचुएशन को, अपने डिवाइन को ये कह रहे हैं कि तू जिस हाल में रखे मौला, तो जिस हाल में रख के मेरे मालिक, मैं खुश हूं। तो आपके अंदर वो जो खुशी आया ना, वो खुशी को आप अट्रैक्ट करोगे, ना कि आप चैलेंजेस को, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ आपके इमोशन से मैटर करता है। समझ पा रहे हैं? अपने दुश्मनों के लिए भी थैंक यू कहें, क्योंकि जो दुश्मने और जो लोग आपको परेशान किए हैं, जो लोग आपको इरिटेट किए हैं, उसके वजह से भी आज आप यहाँ हैं। आप गौर करके देखेंगे, उन लोगों के वजह से आज आप लोगों ने कितने लाइफ में चेंजेस किया है, राइट? तो वो अगर नहीं होते तो अपने लाइफ में ना किसी भी पर्सन को ये नहीं सोचते कि वो मेरा दुश्मन है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सबको ना अपना एक कार्मिक टूल समझे। आपके लाइफ में जो भी आपके आसपास है, जो भी आपको बॉदर कर रहा है, जो भी आपको परेशान कर रहा है ना, उसे जस्ट एज अ कार्मिक टूल इमेजिन करें कि वो आपका कर्म का, कार्मिक अकाउंट का एक ऐसा टूल है जो आपके कार्मिक अकाउंट को क्लीन कर रहा है, जो आपके पेशेंस लेवल को स्ट्रांग करवा रहा है, जो आपके अंदर के वो अवेयरनेस को, वो पोटेंशियल को
एक्टिवेट करवा रहा है जो आप भूल चुके थे, वो आपको आपसे मिला रहा है जो आप भूल चुके थे, राइट। लाइफ में अगर सब कुछ चलता सही तो हम लोग यहाँ क्यों आते हैं, हम लोग यहाँ क्यों सीखते हैं, ये चीजें तो हम लोग को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हर गलतियों के लिए भी ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि हम गलती करके सीखते हैं, है ना। तो ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। ग्रेटिट्यूड के सिवा आप कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उस लेवल तक नहीं जा सकते, और यही रीजन है कि हर जगह आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया जाएगा, ज्यादा आपको प्रेशर दिया जाएगा, सिखाया जाएगा, राइट ममता। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों के साथ ये क्लियर किया ना, कि अभी देखिए मेरा जो कैमरा था वो थोड़ा पहले का, मेरा जो ओल्ड लैपटॉप है उस लैपटॉप को वो पार्ट, ठीक है, उसके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया तभी ये वाला है, राइट। लेकिन अगर जो था उसके लिए अगर मैं रोज रोज कहता रहता कि क्या बकवास कैमरा, क्या बकवास कैमरा, मुझे तो कैमरा इसलिए ऑन करने के दिल ही नहीं करता, तो क्या होता पता है, किसी दिन ये शट डाउन ही हो जाता, चुप ही हो जाता, बंद हो जाता है और कभी नहीं ओपन होता, राइट। सो जिस तरह से सेशन चल रहा था, ग्रेटिट्यूड पार्ट हो चुका है मौसमी जी, पूजा, व्हाट आर द थ्री थिंग्स यू आर थैंकफुल, हो गया, ग्रेट। चलिए आप लोग कंटिन्यू कीजिए सर, अभी तीन पॉइंट ग्रेटिट्यूड करवाना बाकी सर। जी सर, वो करवा लीजिए, ठीक है। तो गाइस बस इतना ही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जस्ट कंटिन्यू कीजिए जो हमारी मौसमी जी, जो हमारी पूजा जी समझा रही है, बता रही है, इससे जस्ट एज अ बहुत डीपली इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी बात ना कभी कभी हमारे लाइफ में बड़े चेंजेस लेकर आते हैं, कि लास्ट सेशन में मैंने बोला था ये बात को, राइट। तो बहुत खुश रहें कि आपने फाइनली ये सेशन अटेंड कर लिया, फाइनली आप लोग यहाँ आ गए, फाइनली हम लोग मिल गए, फाइनली हम लोग एक जगह पे हैं, और हम लोग अपना पॉजिटिविटी का जो एनर्जी है वो एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे की वजह से, राइट। लाइफ का रेस्ट ऑफ द टाइम जैसा भी गुजरे, अगर यहाँ कोई आके एक घंटा गुजारते हैं हम लोग एक साथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ, गौर करके देख लीजिए, राइट। सो जस्ट चेहरे में स्माइल रखना है, हाय वैशाली जी, चेहरे पे स्माइल रखना है, दिल में सबर और शुक्र, ये दो चीज अगर आप लोगों ने रखा ना, लाइफ में किसी भी चैलेंज के ऊपर आप जा सकते हो, लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। बस दो बात को याद रखें, पेशेंस एंड ग्रेटिट्यूड, सबर और शुक्र, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद मौसमी जी, अगर आपको कुछ कहना है आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज पूजा पूजा जी अब थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बच गए थे ना कि ग्रेटिट्यूड आज क्यों नहीं पूछा, अब स्टार्ट करते हैं इसे। अमीशा आप बताइए तीन चीज में ग्रेटिट्यूड आज के लिए। ग्रेटफुल फॉर माय स्टोरेज इन माय करियर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय हेल्थ एंड ग्रेटफुल फॉर माय बॉडी हीलिंग इटसेल्फ। रैंडम कांग्रेचुलेशंस शंकर जी, आप बताइए। शंकर जी आप बताइए। यस मैम, और पहले तो मैं गॉड का धन्यवाद। यस जी जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। पहले तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे इतनी प्यारी लाइफ दी है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। सेकंड, मैं मेरे जॉब के लिए ग्रेटफुल हूँ जिससे मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिलता है, और मैं मेरे कलीग्स के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मेरे साथ में काम करते हैं, उनसे मुझे हेल्प मिलती है, उनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। कुलदीप जी आप बताइए। कुलदीप जी कहाँ गायब हो गई आप, कैमरा ऑन ऑफ करके गायब है, रुको अब इनकी क्लास। ममता आप बताइए तीन चीज के लिए ग्रेटफुल। मैं मेरे लैपटॉप के लिए, मैं एयरफोन के लिए, ब्लूटूथ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। दूसरा, मेरी आंखों के लिए 6x6 देख सकती हूँ, और अच्छे से मेरे को दिखे तो मुझे ऐसे ही मजा आ जाए। वाओ, मेरी हेल्थ बहुत बहुत हेल्दी और हैप्पी है, और ऐसी हैप्पी और हेल्दी रहते मुझे ऐसे ही मजा आ जाए। वाओ ओके, बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही रहे, नहीं ऐसा ही रहेगा। अब एक नए मेंबर और है, ज्योति जी कर लेते। ज्योति जी आप बताइए। हाँ ज्योति जी, ज्योति जी, हेलो ज्योति, कैमरा ऑन करना पॉसिबल है ज्योति? हेलो, ओके फाइन, कुछ इशू है, उनको आना है, वो आ जाएंगी, आगे पूछिए। ओके मैम, ओके, अब किससे पूछे। अर्चना जी आप बताइए।
मैं अपने घर के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपनी गाड़ी के लिए और अपनी हेल्थ के लिए. वाओ, वेरी गुड. ओके, थैंक यू. ओके, चलिए मैम, फिर अब नेक्स्ट सेशन में आप सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे के लिए. ओके, बाकी सब अपना नोट डाउन करके. ये बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पूजा मैम आप बता दीजिए इनको, क्योंकि जिन जो दोनों ने ज्वाइन किए हैं, ममता और ज्योति, हर सेशन में हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम तीन चीजों के लिए ग्रेटफुल जो उस दिन है उसको हम यहाँ पर लिखने के लिए कहते हैं, और यहाँ सब लिखते हैं, और हम उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी तीन चीजों के लिए ग्रेटफुल है. ओके, तो ये भी आप सबकी आदत है. अच्छा, सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं ऐसा ही कर रहे हैं या फिर आप लोग लिख भी रहे हैं? आपके बोलने के बाद, आपके बोलने के बाद जैस्मिन अपने डायरी को सबसे ज्यादा अपने सामने रख लिया है. मेरा एक डायरी, दो डायरी तो हो चुका है कंप्लीट. हाँ. थर्ड वाला चल. वो आपका वो डायरी नहीं दी है, आपकी लाइफ है आपके हाथ में, आपको एहसास नहीं, आप क्या लिख रहे होती होगी. हाँ. मैं रोज लिखती हूँ, मेरा दो डायरी है. ये तो मेरा तीन नंबर चल रहा है, जो क्लास का है वो तीन नंबर है. थैंक यू मैम. अंकित आप लिख रही है ना हर रोज? मैं भी लिखती हूँ रोज मैम. बहुत अच्छा, ये तो लिखना good. मतलब मैं एक बात कह दूं कि जो भी हमारे फर्स्ट मंथली मेंबरशिप के जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सब से तो मतलब पूछना ही नहीं है, इनको तो करना ही करना है. और बहुत बिलीव है कि आप सब कर रहे हो. अगर कोई नहीं कर रहे हो तो जिस दिन पकड़े गए उस दिन तो बस क्लास लग जाएगी सबकी. जो नए आए उनको मौका है, उनको मौका है, अभी अभी उनको मौका है. जो नए आए उनको मौका है, मगर कभी भी मौके और जो नए हैं, जैसे कि संगीता, जैसे रोशनी, जो अर्चना जी, वैशाली जी, इन सबको ये कहना है कि लिखना है मतलब लिखना है, सिर्फ यहाँ नहीं, हर रोज सिर्फ तीन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, सिर्फ तीन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए. ओके पूजा मैम, चलिए. ऐसा लगता है ना दिमाग में और कुछ आ रहा ना, आप उसे भी ऐड कीजिए. यहाँ तो हम खाली आपको तीन बोले, आपको जितना याद आ रहा ना उतना लिखिए, ठीक है, क्योंकि लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट. अगर आपने उसके लिए शुक्रगुजार कर लिया ना तो ईश्वर भी बोलेगा क्या जिंदगी दी है, ठीक है, वो खुद आपको इतना ग्रेटफुल कर देंगे हर एक छोटी छोटी चीज. ओके, मैं तो रेड कलर का पेन के लिए ग्रेटफुल हूँ सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत होता है मुझे रेड पेन का, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल. लिखना होता है करेक्शन, इवैल्यूएशन करना होता है पूरा साल, तो सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज है ये, सच में मैं ग्रेटफुल हूँ. ओके, थैंक यू आप सभी का, आपने बहुत अच्छे से बताया. आप छोटी छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल हो और लाइफ में बड़ी बड़ी चीज के लिए आप तैयार हो चुके, और यही छोटी छोटी चीज आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगी. आपको एहसास नहीं कि आप जो चीज अभी ग्रेटफुल हो वो आगे जाके आपको कितना बड़ा कुछ कर देगी. ओके, आज का सेकंड टॉपिक है, जैसे मैम ने आपको ग्रेटिट्यूड के बारे में बता दिया कि कैसे क्या होता है लाइफ में, वैसे अप्रिशिएशन मतलब प्रशंसा, तारीफ. जिंदगी की ऐसी उपलब्धि है ना कि आप जब करने लगते हो ना, भले आज आपके पास वो चीज नहीं है, मगर दूसरे को देख के आप बोलते हैं ना वाओ. जैसे कि ममता जी ने बोला था कि उनको बैंक मैनेजर जो भी बैंक की एग्जाम क्लियर कर, जब वो किसी बैंक मैनेजर को देखेगी ना तो उनका ख्याल आएगा वाओ कितनी अच्छी जगह है. अगर उस चीज को उन्होंने दिल से फील किया होगा ना तो एग्जाम क्या वो जगह वहाँ पे बैठी पाएंगी बहुत जल्दी. अगर वो सोचे कि ना यार ये एग्जाम बहुत टफ है कैसे होगा, सब बड़ी बड़ी हंसी जाती है, जो होशियार होंगे पढ़ने में वही जाएंगे. आपको ये सब सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ उस चीज को महसूस करना है कि चीज क्या है. मैं भी किसी चीज को देखते तो मुझे जेलस नहीं होती, मुझे खुशी होती है इस चीज को देख के, वाओ कितना अच्छा लगता है ना, ये मोमेंट कितना अच्छा है. आप सबको मैं नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, अगर आप में से कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां होगी, कोई अच्छा गाता होगा, कुछ अच्छा दिखता होगा, किसी की पर्सनालिटी होगी, मगर आप उस चीज को देख के जब जेलस करते हो ना तो वहाँ दिक्कत शुरू हो जाती है. मतलब जो खूबियाँ आनी भी होगी ना वो भी गायब हो जाएगी. इसलिए जब भी आप किसी चीज को देखे ना तो दिल से बोलो वाओ क्या कमाल की चीज है. वो नेचर मदर हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, कुछ भी हो, आपके दिल से ना उसके लिए तारीफ निकलनी चाहिए. वाओ कितना अच्छा मोमेंट है, वाओ कितनी अच्छी जॉब है, वो कितनी अच्छी दिखती है, उसकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है,
मतलब अच्छी अच्छी चीजों के लिए ना आप सारा दिन जो चीज देखते हो ना तुरंत ग्रेटफुल हो जाइए और बोलिए वाओ, ये शब्द है ना आपकी लाइफ का मंत्र हो जाना चाहिए। यकीन माने आप जब आप उस चीज को बोलते हो ना ये बहुत सुंदर मुझ पे कितनी अच्छी लगेगी, तो आप लाइफ में ना वो चीज अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। सबसे बड़ा मंत्र है किसी चीज को पाने के लिए, अगर कोई खूबसूरत इंसान दिख रहा है अगर आप बोलोगे यार ये कितनी खूबसूरत, मैं तो इसके आगे कुछ नहीं, जो आपकी सुंदरता होगी ना वो भी डाउन हो जाएगी। इसलिए कभी किसी की खूबसूरती देख के जेलस मत फील करना, सीधा बोलना वाओ, भले आप उसे जानते हो, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, मुंह पे बोल देना आज कमाल के लग रहे हो यार, बहुत कमाल के लग रहे हो, आपकी आवाज बहुत सुंदर है यार, आपका ड्रेस पहनने का सेंस बहुत अच्छा है यार, साड़ी तो गजब की लग रही है। यकीन माने वो चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। और सारा दिन में एक लिस्ट बना लेना कि आज आपने कितनी खूबसूरत चीज देखी है, नेचर से लेके वस्तु से लेके इंसान तक कुछ भी अच्छा देखा है ना उसकी सूची तैयार कर लीजिए। रात में सोते समय देखना आज मैंने क्या क्या अच्छी चीज देखी है, आज मैंने किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हुए, कुछ अच्छी खाने की चीज के लिए, कुछ अच्छी चीज को देख के। जब आप सूची बनाते हो ना तो लाइफ में वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो छोटी से छोटी चीज के लिए। जैसे अभी श्रिया ने बोला कि पेन के लिए, आप नहीं जानते इससे भी कीमती रेड कलर का पेन, क्या पता डायमंड का ही पेन आपके हाथ में आता है। लाइफ में कुछ भी मैजिक हो सकता है, कुछ भी, हमेशा ना मैजिक के लिए तैयार रखो, सिर्फ मैजिक बोलने के लिए नहीं। लाइफ में आप महसूस करोगे कि हम खुद अपने आप में एक मैजिक है, यहाँ पे जुड़े हैं ना वो भी एक मैजिक ही है। आप चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन अब 20 सेशन में भी लोग ज्वाइन होना स्टार्ट कर दिए, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि उनकी लाइफ चेंज होगी, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जब कोई किसी से जुड़ता है तो सोच लेना कि एक एनर्जी है जो हम एक दूसरे को बांध रही है, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। किसी का नॉलेज आपको अच्छा लगता है तो बोलिए आप बहुत अच्छा समझाते हो, मुझे आपका समझाया हुआ समझ में आता है। आप उसका ज्ञान है ना अपने जीवन में धारण करने लग जाओगे। कोई मोटिवेशन स्पीकर भी होगा ना, अगर आपको उसको सुनना पसंद है ना तो देख के आप बोलिए ना यार कितना मस्त समझाता है, उनकी एक एक बात मुझे समझ में आती, उनकी पर्सनालिटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको ग्रेटिट्यूड करवा देती हूँ, एक अफर्मेशन एकदम, जिसको जो आपको सुनना बहुत पसंद है। एकदम रिलैक्स हो जाइए और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अमीषा अभी बाद में लिखना, ठीक है? अब मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, 5 मिनट ब्रेक ले लो लिखने से। अब सब एकदम रिलैक्स हो जाइए, सब अपना हाथ दिल पे रखिए, हाथ दिल पे रखिए। अब मैं जो बोलती हूँ अपने मन में दोहराइएगा। थैंक यू यूनिवर्स आज के दिन के लिए, थैंक यू मेरी खूबसूरत जिंदगी के लिए, थैंक यू मेरे वजूद के लिए, थैंक यू प्रभु मेरे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार के लिए, थैंक यू इस प्रकृति के पांचों तत्व के लिए जो मुझे सब कुछ प्रदान करती है, थैंक यू हर उस चीज के लिए जो बिन मांगे इस ब्रह्मांड ने मुझे खुशी दी है, थैंक यू मेरे चेहरे पे हमेशा खुशी रखने के लिए, थैंक यू मेरे परिवार के लिए जो हर कदम पे मेरा साथ देते हैं, थैंक यू प्रभु मेरे प्यारे से दोस्तों के लिए जो हमेशा मेरे साथ रहता है, थैंक यू मेरे मेंटोर के लिए जो हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, थैंक यू प्रभु शाहरुख सर के लिए, मौसमी मैम के लिए, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट हैं ग्रेटिट्यूड फैमिली के उनके लिए ईश्वर से दुआ करती हूँ आप सभी की जिंदगी में अपार खुशियाँ सुख शांति हो, थैंक यू मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, थैंक यू प्रभु भारत के जितने भी किसान हैं और देश में जितने भी इंसान हैं सबके जीवन में खुशियाँ भरने के लिए, थैंक यू हर उस किसान के लिए जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, हमारे घर तक बड़ी आसानी से पहुंचाते हैं, थैंक यू मेरे मालिक जिंदगी की हर खुशी मेरी झोली में देने के लिए, थैंक यू मालिक जिंदगी में हर इंसान खुश रहे ये दिल से दुआ है, थैंक यू मालिक हर कोई सुखी संपन्न रहे सबका भला हो ये दिल से प्रार्थना है, थैंक यू मेरे मालिक जीवन के हर कदम से मुझे मार्गदर्शन देने के लिए, थैंक यू मेरे मालिक जो भी आसपास है मेरे सबके जीवन में खुशियाँ हो, थैंक यू इस प्रकृति में जीव जंतु प्राणी जानवर जो है सब सुरक्षित रहे, थैंक यू हर उस इंसान को 3 वक्त का क्या हर समय जब भोजन करना चाहे तब उनको भोजन मिले, थैंक यू हर कदम पे मुझे वो रास्ता दिखाने के लिए जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वो मेरी मंजिल है,
थैंक यू। मैं जो भी काम कर रही हूँ हर उस काम में मुझे सफलता दिलाने के लिए थैंक यू प्रभु। आज मैंने जीवन में जो कुछ पाया है हर उस चीज के लिए दिल से थैंक यू प्रभु। मैं जो कुछ चाह रही ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे बहुत इजीली मिल जाता है थैंक यू। इस खूबसूरत जिंदगी के लिए मैं ईश्वर को रोम रोम से धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे मालिक, आपका धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन मदर, मेरे शरीर के एक एक पार्ट पुर्जे के लिए जो पूरी तरह से सुरक्षित है, स्वस्थ है, मेरे आंख की रोशनी के लिए, मेरे सर के बाल के लिए, मेरे बोलती हुई जुबान के लिए, मेरे सुनने की क्षमता के लिए, मेरे दोनों हाथ पैर के लिए, मेरे शरीर के एक एक अंग के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे ईश्वर ने परिपूर्ण बनाया है, हर तरह से व्यवस्थित बनाया। मैं यूनिक पर्सनालिटी हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ कि मानव जीवन मुझे मिला है, मैं बहुत धनी हूँ। थैंक यू मेरे मालिक मुझे इतनी खूबसूरत जिंदगी देने के लिए थैंक यू प्रभु। आई एम सो ब्लेस्ड थैंक यू। रिलैक्स हो जाइए, अपने हाथों को जोर से रफ करते हुए पूरे बॉडी पे घुमा लीजिए।